हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? को जैसा कि हम देख रहे हैं और ऐसा मौसम देखते हुए भी हम अपने किचन पर है कहा जा रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज शिपानी। ऐसा है कि मेरे क्रिएटिव और उसको सामान वगैरह देने के लिए हम जा रहे हैं। नया नया एडमिशन हुआ है उसका, चलिए वहाँ का देखते हैं माहौल कैसा है। ये रहा सिंह पोखरिया वाला मोड़, राइट साइड से जा रहे हैं क्योंकि रास्ता जो है वो लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा खराब है। आगे जा करके सिंगोपिया के जो एग्जैक्ट बाजार वाला मोड़ है वहीं तक बना, उसका आगे ऊपर था वो तो रास्ता जब तक पूरा नहीं बनेगा उस रास्ता भी यूज़ नहीं करेंगे। ऊपर से गाड़ी वगैरह भी लगा हुआ बड़ा टाइम लगता है। चलो यहाँ रुकना पड़ेगा, बारिश तेज हो गया है। देखिए घनघोर बारिश हम लोग को रास्ता में मिल गया है, बारिश छूटने का वेट कर रहे हैं। अभी लोग देखिए भिंगते हुए जा रहे हैं और जब दूसरा रोड है ये भी बिल्कुल नया बना है लेकिन इसका चिप सब उखड़ जा रहा है, छूटेगा कि नहीं रे भाई। तो वीडियो के अंत तक बने रही है, काफ़ी कुछ है। और ये देखिए बड़विल किरुबरु जाने वाला बस, कारवां बस भी आ रहा है इधर से। और आगे तो लग रहा है बहुत भयंकर पानी हो रहा है, पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आगे। तो गाइस इतना खतरनाक बारिश हो रहा है कि हम लोग दूसरा स्टॉपेज ले लिए, अभिषेक यहाँ बिजी है सेल्फी लेने में। पीछे देखा, पीछे तरफ भयंकर दिख रहा है। देखिए इस हट में हम लोग थोड़ा छुपने का स्थान ले लिए हैं, कितना खूबसूरत इधर खेत। ये रहा हम लोग का तीसरा स्टॉप, चलो आप पहुंच जाएंगे हम लोग। कुल मिला के 3 स्टॉप लिए हैं हम लोग, आगे और भी लेना पड़ सकता है लेकिन आगे का मौसम देखिए फिलहाल क्लीन नज़र आ रहा है। बिल्कुल वहीं से हम लोग मतलब वहीं पे हम लोग जाने वाले हैं और उधर देख रहे हैं थोड़ा सा उजाला भी नज़र आ रहा है, सनसेट टाइप का व्यू पॉइंट आ रहा है वहाँ पर। और इसी तरह का झोपड़ी में हम लोग घुस घुस के आ रहे हैं, हरिया गोडाउन के बीच पर घुस घुस के हम बच बच के आ रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, आगे देखिए सूर्या पास वाला मंदिर हम लोग पार कर गए हैं और आगे से लेफ्ट टर्न ले लिए हैं। और इधर देखिए कच्चा रास्ता है, पता नहीं अभिषेक कहाँ कौन सा रास्ता ले करके एकदम पहुँचाएगा, नहीं मालूम। गूगल मैप का अथॉरिटी इसी को देना चाहिए, सही जगह पहुँचा देगा। लेकिन आसपास गांव भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत घर है। हो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इधर भी घर, स्कूल भी है। दूर में देखिए सरकारी स्कूल नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा है यार। इधर सामने में भी है और ये देखिए टंकी, और देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज, और इधर है देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्कुल इस पहाड़ के ऊपर में। और ये टंकी जो है नया बना है। रास्ता में एक फाटक मिल गया है, अब पता नहीं कहाँ से ट्रेन आएगा। साइड से पार कर दिए हम लोग, अब देखिए ओ भाई आराम से घुटना लग जाएगा देखने देने से। फाइनली गाइस हम लोग देखिए पहुंच रहे हैं
ये देखिए नवोदय का स्कूल है, राइट साइड भी स्कूल है, देखिए ये हॉस्टल है, ये देखिए नवोदय का मैदान के बीचों बीच हम लोग पार हो रहे हैं। अब उधर देखिए नवोदय का पूरा कैंपस है, बच्चे लोग प्रोग्राम में अपना वेयर था, इधर कुछ कुछ खिलाड़ी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एरिया हम कभी देखे नहीं, तो इसी बात पे आप लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। मगर रास्ता बहुत खराब है। देखिए फाइनली हम लोग चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज एंट्रेंस लेंगे। देखिए सीनियर बॉयज हॉस्टल, जो हॉस्टल में है उसका रूम जो है 200-300 के बीच में, हम लोग भी सियोर नहीं है और वो फोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ है। माहौल सही है, लगा लगा लगा। फाइनली 335 थोड़ा अंधेरा इधर, हाँ हाँ शायद ये रूम खतरा सिंह। देखिए मैं इसका खाना और टिफिन है इधर, चलिए उससे भेंट तो हुआ नहीं क्योंकि वो कहीं और बिजी है, लेकिन उसके साथी को दे दिए हैं, रूममेट को। देखिए यहाँ का सेंट्रल लाइब्रेरी जमीन के अंदर घुस गया है, बाहर के ऊपर हम लोग जा रहे हैं और इधर फर्स्ट ईयर का क्वार्टर वगैरह सब है। आगे का दिशा निर्देश अभिषेक जी बताएंगे क्या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैसी बात है। गर्ल्स हॉस्टल भी है बॉयज, इसी बात पे लाइक जरूर होना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल, गेस्ट हाउस सब कुछ है इधर। देखिए घाटी चल रहे हैं हम लोग और उधर सनसेट होने वाला है, लेकिन मौसम खराब है इसके वजह से वो सनसेट तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अब ग्रीनी का नज़ारा लीजिए। पूरा कैंपस, कैंपस बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन रहा है अभी भी। देखिए अभी चढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ाई होता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर स्टडी किया जाता है। अरे बाप रे बाप, ये देखिए थोड़ा रुक के दिखाते हैं। ये देखिए गाइस कहाँ से हम लोग चढ़ के आ रहे हैं, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं वरना पिक्सल जो फट जाएगा। देखिए एडमिन ब्लॉक हम लोग आ गए हैं, प्लांटेशन प्रोजेक्ट। ये देखिए प्लांट बिल्कुल घर के अंदर घुसने वाला है इस प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट, कैंटीन वगैरह सब कुछ दिख रहा है। अब हम लोग डाउन उतर रहे हैं और डाउन उतर के ही हम लोग बाहर हो जाएंगे ना, उसके बाद शाम का चाय तो लेना जरूरी है, थोड़ा फ्रेश लगता है, जैसे कि हम भारतीयों का ये आदत बना हुआ है। पहली बार आए हैं कैंपस, लेकिन अच्छा लग रहा है, अपना कॉलेज का दिन याद आ गया है। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, मज़ा तो ले रहे हैं अपने कैंपस का। और यहाँ पर फिलहाल कुछ बस एक दो लड़कियाँ दिखाई दी है, मिलना है तो आप आ सकते हैं यही थोड़ा डिसेंट तरीके से ही मिलना है।
दूरी बनाए रखें, दूरी बनाए रखें, मास्क पहने रहें ताकि चेहरा का पता न चले। और ग्रीनी का पूरा ख्याल रखा गया है जो कि नेचुरल है यहाँ पर। और देखिए ऊपर में भी कितना, वहीं से हम लोग आ रहे हैं, वहाँ से आपको सीन दिखाए थे नीचे की। देखिए माइंस, सामने कंपनी लोग माइंस जाने वाला ये ट्रक जो है ओवरलोड की वजह से पलट गया है। यहाँ पे रोड भी बन रहा है, चलो यार कहीं चाय पिया जाए। सामने दिख रहा है टी स्टॉल। चेस सो गाइस, इससे पहले कि शाम हो जाए हम लोग अब निकल पड़े हैं, चाय वगैरह भी पी लिए हैं, फ्रेश हो लिए हैं। चलिए इस तरह का मज़ेदार ब्लॉग हमारे चैनल पर आते रहता है, कृपया करके जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। आप लोग मज़ा ले लेते हैं वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं, ये बहुत बुरी बात है। काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग ब्लॉग बनाने में, और अभिषेक भी साथ में आ जाता है ब्लॉग के में शामिल कर लेते हैं इसको भी किसी ना किसी बहाने से। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।